हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। इस सेशन में हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी इस टॉपिक से डिस्कस करेंगे। पार्ट वन हमने डिस्कस किया था और पार्ट टू में जो चीजें बच गई हैं उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोग रेडी हो बहुत ही अच्छे तरीके से। इस सेशन की शुरुआत करते हैं थम्सअप के साथ। अगर आप लोग मुझे सही से सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, प्लीज थम्सअप दे दीजिए इन द चैट बॉक्स। और उसके साथ पिछले जो सप्ताह क्वेश्चन पूछा गया था एचपी इकोनॉमी का, वहां पर पूछा गया था द इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन मंडी, ये चीज कही गई है। और इससे रिलेटेड पूछा गया है कि ये किसके कोलैबोरेशन से करा जा रहा है, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स, नॉर्वे में से कौन सा सही है, ये पूछा गया था। और इसका सही जवाब है जर्मनी, जिस तरीके से हम जानते हैं। और ये चीज सभी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है इसका। अभिषेक ने पूरा जो है डिस्क्रिप्शन इसका दिया है। और इसके साथ अनिल भाटिया ने पिछले सेशन का जो है अप्रिसिएशन किया है। गुड इवनिंग अभिषेक, वेलकम टू द सेशन। जर्मनी सही जवाब है अभिषेक। सादिया पूछ रहे कि कब होगा एग्जाम, ऑब्वियसली इसका जवाब सादिया आपको मिल गया होगा। हम जिस तरीके से जानते हैं एचपीएस जो है 16 को है अक्टूबर में और 30 को हमारा एचपीएनटी है। संजय ने सही जवाब दिया है और आरती ने भी सही जवाब दिया है। राइट दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से इस क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करिए। गुड इवनिंग उषा, वेलकम टू द सेशन। और यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट, ये चीज पूछी गई है। यहाँ सबसे पहला वाला अगर हम देखें स्टेटमेंट, तो अबाउट 50% ऑफ एरिया इन हिमाचल प्रदेश इज रेन फेड, परसेंटेज ऑफ कल्टीवेटेड एरिया इन हिमाचल प्रदेश इज लेस देन 10%, क्लाइमेट ऑफ हिमाचल प्रदेश सूट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सीजन वेजिटेबल्स। ठीक है, ये चीजें पूछी गई हैं, फटाफट से आपको जवाब देना है और क्वेश्चन भी सही से पढ़ के आपको जो है जवाब देना है। गुड इवनिंग विनय, कैसे हो आप विनय? विकास वेलकम टू द सेशन, भावना वेलकम टू द सेशन, गुड इवनिंग। यहाँ पर देखो हमें बताना है कि विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो ये चीजें तो बहुत ही आराम से अभी तक आपको एकदम याद हो गया होगा कि अगर हम रेनफेड एरिया की बात करें तो कितना परसेंटेज है, फटाफट से आप मुझे बता दो कि कितना परसेंटेज है रेनफेड एरिया की जब हम बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर आंसर आने लगे। विकास ए कह रहे, भावना का ए है, विनय, खुशबू वेलकम टू द सेशन, खुशबू, अनु वेलकम, अनु वेलकम का आपका भी जो आंसर है वो ए है। ओके यस, भावना 80%, अनु भी कह रहे 80%, यस 80% से ऊपर है एक्चुअली। और ये स्टेटमेंट गलत है, परसेंटेज ऑफ कल्टीवेटेड एरिया इन हिमाचल प्रदेश यहाँ पर दिया है कि 10% से कम है, एक्चुअली 10% से ज्यादा है, इस वजह से ये भी गलत है। दोनों स्टेटमेंट जब गलत हो रहे हैं 1 and 2, देखते हैं कि तीसरा भी गलत है क्या। तो क्लाइमेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बहुत ही ज्यादा जेनेरिक स्टेटमेंट है, तो ऑब्वियसली ये चीज सही है, तो 1 and 2 यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। ए इज द राइट आंसर, कंग्रेचुलेशन दोस्तों। एचएस एस्पिरेंट हेलो वेलकम टू द सेशन, ए सही जवाब है एचएस एस्पिरेंट। यहां पर देखो दूसरा क्वेश्चन, ये भी बहुत बार आप पढ़ चुके होंगे, एक तरीके का रिवीजन है आपके लिए। पूछा गया है ज्योग्राफिकल एरिया जो हिमाचल प्रदेश का ऑक्यूपाई किया जाता है शिवालिक हिल जोन के द्वारा, ये कितना परसेंटेज है ऑफ द टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सेकंड का आंसर सबसे पहले विकास ने दिया है, ए कह रहे, अभिषेक का आंसर ए है, भावना ए कह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर जब आप ए कह रहे हो, अगर आपको लगता है कि बाकी जो जोन्स है उनका भी परसेंटेज कहीं ना कहीं यहाँ दिया हुआ है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, या फिर आपको याद है जैसे कि यहाँ शिवालिक जोन से रिलेटेड पूछा गया है, मिड हिल जोन या फिर जो हमारा कोल्ड जोन है उससे रिलेटेड अगर आप बता सको कि कितना परसेंटेज ज्योग्राफिकल एरिया वो जो जोन्स है वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं, दैट वुड बी ग्रेट। ओके, तो यहाँ आंसर ऑलमोस्ट सभी का ए है, ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 35% जो है वो शिवालिक जोन की हम बात कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल एरिया की अगर हम बात करें। ठीक है, शिवालिक जोन का अगर आप कल्टिवेटेड एरिया के परसेंटेज की बात करो तो क्या आप मुझे बता सकते हो कितना है ट्रांस हिमालयन या फिर मिड हिल जोन जिसे हम कहते हैं वहां पर। ओके यस, कल्टीवेटेड एरिया की अगर हम बात करें तो मिड हिल जोन जो है उसमें मैक्सिमम एरिया कवर किया जाता है, और इसके साथ में 53% की अगर हम बात करें तो वो उससे रिलेटेड है। ओके यस, 33% इज राइट, खुशबू सही कह रहे हैं, 33% इज द राइट आंसर। राइट दोस्तों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है 35%, एंड इसका अगर हम शिवालिक जोन की कल्टीवेटेड एरिया की बात करें तो 33% इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहां पर पूछा गया है इन रिलेशन टू दीज डिपार्टमेंट्स, ये स्टेटमेंट जो है सबसे पहला यहाँ पर है कि द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1952। फैक्ट बेस्ड टोटली ये जो स्टेटमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ये एस्टेब्लिश किया था 1970 में,
डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को मर्ज किया गया था विद दैट ऑफ फॉरेस्ट्री इन 1950। ऑब्वियसली कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर गलत है, तीनों के कॉम्बिनेशन से ही हमें पता चल जा रहा है। तो आपको जो है सही करेक्ट जो स्टेटमेंट है उनको चुनना है। यहाँ पर फटाफट से आपके आंसर आने चाहिए। यहाँ HS एस्पिरेंट का आंसर आ गया, बी कह रहे विकास का, सी है अनु का आंसर, ए है। ओके, ए बी सी तीनों ही आ चुके हैं, ओनली डी की कमी है दोस्तों। विनय ने रिट्रैक्ट किया है, खुशबू बी कह रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ये कब एस्टैब्लिश किया गया था। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ HS एस्पिरेंट कह रहे हैं बहुत बढ़िया, 1948 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था, इट इज नॉट 1952। ये गलत है, इसका मतलब जैसे ही ये गलत हो जाता है तो ऑब्वियसली हम अपने सही जवाब 2 और 3 तक पहुंच जा रहे हैं। 1948 में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को एस्टैब्लिश किया गया, फिर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को मर्ज किया गया डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री के साथ 1950 में, उसे फिर सेपरेट किया गया 1952 में जब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडिपेंडेंट वे में एग्जिस्ट करने लगा। आगे जाकर 1970 में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में से डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इसे जो है अगेन स्प्लिट किया गया था। 1970 में जो ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की हम बात कर रहे हैं वो सही है हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, यस एब्सोल्युटली करेक्ट HS एस्पिरेंट, भावना सही कह रहे हो, राइट। तो इस वजह से ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाते हैं। यहाँ पर आएगा 1948 और बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चुंगरू इज जनरली यूज टू इंडिकेट विच अमंग द फॉलोइंग इन हिमाचल प्रदेश, इस से रिलेटेड भी हम पहले पढ़ चुके हैं। एकदम तेजी से आपके जवाब आने चाहिए। यहाँ पर HS एस्पिरेंट का आ गया है डी कह रहे हैं प्लविंग डिवाइस। ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड इरिगेशन सिस्टम है, क्रॉस बिटवीन याक एंड प्लेन एरिया कैटल या फिर प्लविंग डिवाइस, ये चीज पूछी जा रही है। ओके, कविता डी कह रहे, भावना भी डी कह रहे हैं, अभिषेक का आंसर डी है, विकास का डी है, राइट। तो एक्चुअली दोस्तों ये जो है एक क्रॉस है बिटवीन याक एंड प्लेन एरियाज कैटल, ठीक है छुमरू। अगर हम अपने बुक्स में देखेंगे तो इसका सही जवाब होगा सी, विच इज अ क्रॉस बिटवीन याक एंड प्लेन एरियाज कैटल, राइट। डी इज नॉट द राइट आंसर। यस खुशबू, सी इज द राइट आंसर। भावना अनु, सी इज द राइट आंसर। ये चीज हमें याद रखनी है। और भी नाम है इस क्रॉस के, अलग अलग एरियाज और रीजन्स में जो अलग अलग ब्रीड्स है उनसे रिलेटेड अलग अलग नाम है, बट यहाँ अगर हम देखें तो छुंगरू दिस इज अ क्रॉस बिटवीन याक एंड प्लेन एरियाज, ये राइट। फ्लो में गलत? अरे अभिषेक, फ्लो में कैसे गलत, ऐसे नहीं करना है अभिषेक, पढ़ा था, राइट। यस इवन जोमो, राइट राइट, बहुत सही। जोमो कौन से एरिया से रिलेटेड है कविता, वो भी अगर आप बता सको दैट वुड बी ग्रेट। इसके साथ हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखो स्टेटमेंट्स पूछे गए हैं विच आर करेक्ट, अगेन बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट, हिमाचल प्रदेश का एरिया कितना है ये पूछा गया है। देन एक फैक्ट जो हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते वो चीज हमें देखना है। जोमो पंगी से जो है आप रिलेट कर रहे हो, राइट। खुशबू का आंसर सी है, विनय ने सी कहा है। फटाफट इस सेशन को और जो है हम करेंगे यहाँ पर दोस्तों ताकि आपको समय मिल पाए। हिमालयन वाइल्डिंग, ओके आपने ए कहा है। भावना का आंसर सी है, विकास अभिषेक का आंसर सी है, उषा ए कह रहे हैं, HS एस्पिरेंट का सी है। तो यहाँ देखो दोस्तों पूछा गया है दो स्टेटमेंट्स एंड आपको ऑप्शंस देखने, क्योंकि एग्जाम में ये हो सकता है कि ऑप्शंस अलग तरीके से आ जाए जैसे 2020 में हुआ था। गलत हमें नहीं करना है। यस पंगी एरिया, राइट। यहाँ देखो एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑब्वियसली हजार बार हम पढ़ चुके हैं, ये सही है। 1.7% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री, ये चीज भी सही है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है दोस्तों यहाँ पर। और ये अगर हम देखें तो सी इज द राइट आंसर। और जिस तरीके से भावना बता रहे हैं 0.57% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द टोटल जो कंट्री का है उसके पॉपुलेशन का 0.57% इज हिमाचल, राइट। तो ये चीजें हमें याद होनी चाहिए, नंबर्स एकदम रटे होने चाहिए। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस। आगे क्वेश्चन 8 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज योर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस, हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, इस एक्ट से रिलेटेड पूछा गया है। थोड़ा सा डीप है क्वेश्चन बट ये चीज हमें आनी चाहिए। इट वॉज एनएक्टेड इन द ईयर 2005, इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड, इट हैज प्रोविजंस विद रेस्पेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये चीजें पूछी गई हैं। तो इस एक्ट के नाम को पढ़ के भी थोड़ा सा हमें आइडिया लग जा रहा होगा। यहाँ आंसर्स आने लगे हैं। विनय 6 का डी कह रहे हैं, आई थिंक HS एस्पिरेंट ने ए कहा है, विकास का ए है, भावना का आंसर डी है, रजत ए कह रहे हैं, अनु ने भी ए कहा है, अभिषेक का आंसर
ए. ओके, एट क्वेश्चन आई होप आप आंसर कर रहे हो, राइट? खुशबू ने इसे स्किप किया है. यस, तो जब हमारे जो है स्टेटमेंट हमें पता नहीं है, कोई भी आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, स्किप इज द बेस्ट थिंग. हिमालय ने भी स्किप किया है, नो आइडिया ऑन ऑप्शन थ्री, राइट? तो यहां पर देखो दोस्तों, तीनों ही स्टेटमेंट सही है. 2005 में ये पास किया गया था और ये एस्टेब्लिश कर रहा है इस बॉडी को, जो कि है हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड. और ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड भी इसमें आपको प्रोविजन देखने को मिलेंगे. ऑल द थ्री आर करेक्ट, और इससे इस एक्ट के प्रोविजन भी हमें समझ में आ जा रहे हैं, और किस ईयर में ये लाया गया था वो भी हमें समझ में आ रहा है. अब एक और क्वेश्चन, बायो कंट्रोल लेबोरेटरी लोकेटेड एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इन हिमाचल प्रदेश, ये चीज पूछी गई है 9th क्वेश्चन में. ये बैरियोगंज जो कि शिमला में है, होल्टा जो कि पालमपुर कांगड़ा में है, मंडी हिमाचल प्रदेश, इनमें से कौन सा सही है? फटाफट से आपको जवाब देना है. तीनों ही सही है, या फिर जो भी आपको सही ऑप्शन लग रहा है. यहां आंसर्स आने लगे 9th के. भावना का बी है, विकास, विनय, रजत, अनु का भी आंसर बी है. भावना कह रहे पालमपुर एंड मंडी, ठीक है. तो बायो कंट्रोल लेबोरेटरीज जो है, ये गवर्नमेंट के जो लेबोरेटरीज है उनके हम बात कर रहे हैं. कविता का बी आंसर है. यस अभिषेक बी, एचएस एस्पिरेंट भी, आप सभी सही हो. पालमपुर एज वेल एज मंडी इज द राइट आंसर, और ये चीज हम जो है देख सकते हैं अच्छे से, हमारे वेबसाइट पे भी दी हुई है, एंड दीज आर द राइट आंसर. ओके दोस्तों, यस बी इज द राइट आंसर. आगे बढ़ते क्वेश्चन 10. यहाँ करेक्ट जो स्टेटमेंट्स आपको वो चुनने हैं. दिया गया है हिमाचल प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल इन इंडिया. कंट्री में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो एप्पल्स का है वो हिमाचल प्रदेश है. ऑल रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस इन हिमाचल आर एंटाइटल्ड टू एग्जेम्पशन फ्रॉम द लिमिट ऑफ ओनिंग 150 बीघास ऑफ लैंड. ठीक है, पहला तो इजी, सेकंड बहुत ही डिफिकल्ट आई थिंक स्टेटमेंट दे दिया गया है, बट देन इफ यू हैव आइडिया आप बता सकते हो कि क्या यहाँ पर सही है, राइट? दोस्तों ऑप्शन भी आप देख लेना, वन ओनली, टू ओनली, वन एंड टू, नीदर वन नॉट टू, ये पूछा गया है. 10th के आंसर्स आने लगे हैं. विकास ने डी कहा है. रजत आई थिंक आप ए आंसर करो. यस ए कह रहे हो. भावना का बी है, अनु ए, खुशबू बी, एंड अभिषेक का भी है, राइट? दोस्तों यहाँ अगर आप ये स्टेटमेंट देखो तो हिमाचल इज नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल, ऑल्दो बहुत ज्यादा एप्पल मिलते हैं एंड बहुत ही बड़ा पार्ट है एप्पल प्रोडक्शन हमारे इकोनॉमी का, लेकिन इट इज, यस जैसा भावना कह रहे हैं, इट इज जम्मू एंड कश्मीर, इट इज नॉट हिमाचल. जम्मू एंड कश्मीर अबाउट 70% से ज्यादा ऑफ एप्पल प्रोडक्शन जो है जम्मू एंड कश्मीर में होता है, इट इज नॉट हिमाचल. 20% के आसपास हम कह सकते हैं हिमाचल में है. ओके, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है. दूसरा स्टेटमेंट ये सही है, हिमाचल प्रदेश के जो रेसिडेंशियल लॉज है उनके हिसाब से रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस जो है उन पर सीलिंग ऑफ लैंड की जो है वो सीलिंग नहीं लगी हुई है. ये चीज हमने पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम लैंड रिफॉर्म एक्ट पढ़ रहे थे, और इसके वजह से सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है. एंड आर करेक्ट आंसर हियर इज बी, टू ओनली, बी इज द राइट आंसर. जिन्होंने भी बी जवाब दिया, जे वेलकम टू द सेशन, बी इज राइट जे. हिमालय का आंसर सही है, कविता का सही है, आई थिंक भावना का भी सही है. ओके, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. थेमेंदर एक्चुअली बी करेक्ट आंसर था. क्वेश्चन 11 देखते हैं, यहाँ पूछा गया है द रेशियो ऑफ फंड शेयरिंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ ऑयल सीड्स पल्सेस ऑयल पाम एंड मेज. ये जो इंटीग्रेटेड स्कीम है इसमें जो रेशियो है ऑफ फंड शेयरिंग, ऑब्वियसली बिकॉज हिमाचल हम जानते हैं कि हिल स्टेट है और स्पेशल कैटेगरी में आता है, और इस वजह से कुछ कंसेशंस और कुछ जो फंड शेयरिंग है वो थोड़ा ज्यादा सेंटर कर लेती है. इस स्कीम की अगर हम बात करें तो फंड शेयरिंग कितना है? डीप क्वेश्चन है, बट देन थोड़ा सा हमें डीप पढ़ना होगा. ऑयल सीड्स जो ये वाला टर्म है ये काफी ज्यादा न्यूज में है, तो हिमाचल में जो चल रहा है, जो स्कीम चल रहे हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए. विकास ने स्किप किया है. भावना बी, अभिषेक, रजत, अभिषेक ने बी कहा है, भावना ने बी कहा है, रजत ए कह रहे हैं. ओके, तो यहाँ पर दोस्तों सही जवाब है सी, एक्चुअली 75:25 इज द राइट आंसर, राइट? तो 75:25 यहाँ पर सही जवाब होगा,
एंड सी इज द राइट आंसर एज पर द बुक्स. ये 75-25 इज द राइट आंसर. ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से जहां पर 75% हमारी यूनियन गवर्नमेंट खर्च कर रही है, 25% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेगी. और ये चीज जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो कि हिल स्टेट्स लाइक हिमाचल उत्तराखंड उन्हें मिलता है. 12th क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों. वेजिटेबल वेराइटीज समृद्धि और DPPB1 जो ये वेराइटीज हैं ये किससे रिलेटेड हैं. ठीक है, थोड़ा सा इनका इम्पोर्टेंस है इस वजह से ये पूछा गया है. ये फॉलोइंग द वेजिटेबल्स डेवलप्ड बाय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारे पालमपुर में है, इससे रिलेटेड पूछा गया है. ये वेराइटीज इंपॉर्टेंट है इस वजह से पूछा गया कि कौन से वेजिटेबल के ये वेराइटीज है. इज इट पोटैटो, ब्रोकली, कैबेज या एस्पैरागस, इनमें से कौन सा सही जवाब है. क्योंकि इस तरह के ट्रिवियल क्वेश्चंस भी आए हैं दोस्तों, 2019 का भी पेपर अगर आप देखो तो पूछा गया है, तो हमें प्रिपेयर करना चाहिए इनको भी. यहाँ खुशबू कह रहे हैं डी, विनय ने स्किप किया है, विकास का आंसर सी है, काफी वेरिंग, रजत बी कह रहे हैं, उन्होंने स्किप किया है. ओके डी, ब्लाइंड गेस जे ने किया है. ब्लाइंड गेस एग्जाम में मत करना जय, बिल्कुल भी ब्लाइंड गेस हमें नहीं करना है. कविता भी कह रहे हैं एंड भावना ने स्किप किया है. राइट, तो ब्रोकली इज द राइट आंसर. ब्रोकली के जो ये वैरायटीज है उन्हें डेवलप किया गया था यहाँ पर, इस वजह से ये चीज जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है. नाम भी देखो समृद्धि इस तरीके से रखा गया, ऑब्वियसली ये हम याद थोड़ा सा नहीं रख पाएंगे, बट समृद्धि हम याद रख सकते हैं जो कि ब्रोकली वैरायटी है. ओके यस थिमेंदर, नो प्रॉब्लम, द करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है ब्रोकली है. श्योर, राइट राइट जे, हमें साइन गेस बिल्कुल नहीं करना है. यहाँ देखो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, इन दो स्टेटमेंट्स के बेसिस पर आपको आंसर करना है ए बी सी या डी. स्टेटमेंट वन क्या है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर सिलेक्टेड हिमाचल प्रदेश फॉर द कमेंडेशन अवार्ड जो दिया गया था टोटल फूड ग्रेन्स कैटेगरी 2 जो कि कृषि कर्मान अवार्ड 2014-15 में ये दिया गया था, क्या ये चीज सही है. दूसरा है मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये जो चलाया जा रहा है इंट्रोड्यूस किया गया था बाय एफएओ एंड यूएनडीपी के कोलैबोरेशन के साथ ऊना में, राइट ये पूछा गया है. भावना कह रहे हैं सी, अनु का आंसर सी है, विनय का सी है, बहुत ही ज्यादा जो है आराम से आप गेस कर सकते हो, आराम से गेस किया जा सकता है. जे यहां पर आप गेस कर सकते हो, ओके नॉट ब्लाइंड बट कैलकुलेटेड गेस, क्यों वो भी हम आगे देखेंगे. ठीक है, खुशबू ने स्किप किया है, अभिषेक ने स्किप किया है. यहाँ दोस्तों पहला वाला सही है, कृषि कर्मान अवार्ड जो है ये दिया गया था फूड गेम्स ग्रेन्स के प्रोडक्शन को जो है अच्छे तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने बढ़ाया था. मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको चीजें पता होनी चाहिए और इसे काफी ज्यादा रिसेंट टाइम में जो है प्रमोट भी किया जा रहा है. ओके, और इससे रिलेटेड कुछ करंट में जो चीजें चल रही हैं वो भी हम देखेंगे. एक क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया था, उसी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन हम यहाँ पर इसी सेशन में करेंगे. राइट दोस्तों, मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जब हम बात कर रहे हैं ऊना इज नॉट करेक्ट, सोलन आएगा यहाँ पर. ओके, तो हमारा सही जवाब हो जाता है सी. सी जिन्होंने भी कहा है वो सही है. एब्सोल्युटली हरीश, एब्सोल्युटली राइट, सोलन इज कॉल्ड द मशरूम सिटी और इस वजह से जो भी ये प्रोजेक्ट है वो मेनली सोलन में चलाया जा रहा है. अब ये प्रोजेक्ट में कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है, कौन सी कंट्री के कोलैबोरेशन से ये किया जा रहा है वो चीज पूछी गई है. 1985 में जब ये लॉन्च किया गया था, कोलैबोरेशन कौन सी कंट्री का है, इज इट जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स या यूएनडीपी के साथ ये किया जा रहा है, ये पूछा गया है. यस 14 का आंसर आने लगे. भावना सी, खुशबू, रजत, जे, यस इंडो डच प्रोजेक्ट इसे कहा जा रहा था. डच की अगर हम बात करें तो इट इज नीदरलैंड्स, सी नीदरलैंड्स इज द राइट आंसर. विशाल कह रहे हैं सर इकोनॉमी के क्वेश्चन एचपी जीके में ही. हाँ जी, एचपी जीके इकोनॉमी जो है हम मेनली एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और जो जनरल डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड जो इकोनॉमी है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. इकोनॉमी जो जीएस की है वो अलग क्लास होती है. राइट विशाल, तो यहाँ पर आपका 15th क्वेश्चन है. विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज योर करेक्ट, ये पूछा गया है. सोलन हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द मशरूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट. यहाँ हाइब्रिड 4 ये एक वैरायटी ऑफ पोटैटो है जो कि डेवलप किया गया है इंडिजिनसली वाईएस परमार यूनिवर्सिटी जो हमारी है हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की. ओके, तो ये एक पोटैटो वैरायटी है ये कहा गया है. ऑब्वियसली हाइब्रिड 4 ये नाम तो हम शायद याद ना रख पाए, बट दोस्तों
ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि डेवलप किया गया हमारी यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो ये चीज हमें याद रखना है। आंसर्स काफी वेरिंग आए हैं, यहाँ पर ए दिया है कुछ लोगों ने, सी कहा है भावना, यहाँ ए कह रहे हैं। ओके, सोलन ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा ये चीज, ये तो सही है। दूसरा हाइब्रिड फोर अगर हम देखें, ये वैरायटी को डेवलप किया गया था हमारी यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो कि यस जैसा कि भावना ने कहा एक मशरूम वैरायटी है, इट इज नॉट वैरायटी ऑफ पोटैटो, ये एक मशरूम वैरायटी है। यहाँ पर हमारा आंसर बन जाता है ए वन ओनली, बिकॉज दिस इज नॉट करेक्ट, ये एक मशरूम वैरायटी है। हरीश एच एज एस्पिरेंट, ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ याद रखिएगा मशरूम वैरायटी, राइट। यहाँ जो है देखो दोस्तों, ये थोड़ा सा करंट में आने वाला इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया है और कमीशन कई बार वहां से जो है क्वेश्चंस और उनके थीम्स पिक करता है, राइट। तो हमें ये चीज आना चाहिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू गूची मशरूम, राइट। पहला स्टेटमेंट देखिए, हैवी स्नो एंड फ्रीक्वेंट हेल थंडर स्टॉर्म्स ड्यूरिंग फ्रूटिंग सीजन, ये बेनिफिट करता है इन मशरूम्स को, जिसका रीजन है कि हम नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस में मोस्टली इन मशरूम्स को ग्रो होते हुए देखते हैं, जो कि पूछा गया था इन द एग्जाम। इट हैज अपियर्ड एट लो एलिवेशन इन द गोहर रीजन ऑफ मंडी, ऑल्दो ये हाई एलिवेशन पे होता है, ये लो एलिवेशन पे हमें देखने को मिल रहा है गोहर रीजन जो मंडी में है। हिमाचल प्रदेश हैज रिसेंटली ऑब्टेंड GI टैग फॉर गूची मशरूम, ये पूछा गया है। ओके, तो यहाँ आंसर आने लगे हैं, गेस 16 का मोस्टली सभी ने ए दिया है, विकास ए कह रहे हैं, भावना, अनु, खुशबू, जे, अभिषेक का भी आंसर ए है, नो जी आई, ओके, कविता ए कह रहे हैं, होम टाउन, दैट्स ग्रेट भावना, ग्रेट। एच एस एस्पिरेंट का आंसर ए है, ओके, कॉस्टलीस्ट मशरूम्स होते हैं, यस ऑब्वियसली, और कॉस्टलीस्ट मशरूम्स है 10,000 rupees पर केजी, विकास कह रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट। तो यहाँ पहला जो स्टेटमेंट है दोस्तों ये सही है, जो फ्रीक्वेंट हेल एंड हैवी स्नो ये बेनिफिट करते हैं इस क्रॉप को, और वो भी फ्रूटिंग सीजन जो होता है, मेन जो फंगस जो है अच्छे से ग्रो हो जाता है उस टाइम पर, दिस बेनिफिट्स, और ये लो एलिवेशन में गोहर रीजन जो कि मंडी में है वहां पर आपको देखने को मिलता है, ये भी सही है, यस। गूची मशरूम का GI टैग दिया तो गया है बट वो हिमाचल को नहीं दिया गया है, ओके, ये GI टैग जो है हिमाचल को नहीं दिया गया, आप लोग मुझे बताओगे कि कौन से स्टेट को गूची मशरूम का GI टैग दिया गया है, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग को पता है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, दिस इज नॉट करेक्ट, ये दोनों सही है, तो हमारा सही जवाब हो जाता है A1 and 2 इज द राइट आंसर, मोस्टली सभी ने सही जवाब दिया है, ओके, यस, किसी और, तमिलनाडु, अभिषेक राइट, उत्तराखंड कह रहे हैं खुशबू, सब तरह के यहाँ पर जो है, यस, जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट आंसर, जम्मू एंड कश्मीर को मिला है गूची मशरूम का जो GI टैग है, इट इज नॉट हिमाचल, इट इज या तमिलनाडु तो नहीं है, बट जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट आंसर, राइट दोस्तों, ये याद रखना है आपको, करंट में ये चीज इंपॉर्टेंट है, यस, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में मिलता है, हम तमिलनाडु नहीं कहेंगे, ओके, नॉर्थ वेस्टर्न जो हिमालय से वहां पर आपको गूची मशरूम देखने को मिलते हैं। 17th क्वेश्चन आपके सामने, आपको कुछ इससे रिलेटेड, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ इसे, राइट, तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट यहाँ पर पूछे गए हैं। इट इज मेनली कल्टिवेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ लाहौल स्पीति, कुल्लू एंड किन्नौर, इट हैज ग्रेट मेडिसिनल वैल्यू, ऑल्सो कैन बी यूज एज एन इंसेक्टिसाइड, इट इज एक्सपोर्टेड टू मेनी कंट्रीज जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, हांगकॉन्ग, फ्रांस, ये सब इंक्लूडेड हैं। ओके, काफी ज्यादा स्पेसिफिक ये स्टेटमेंट्स हैं, बट आई होप आपको पता होगा इसके बारे में। अच्छा, कल्टिवेशन स्टार्ट हुई है वहां पर, ओके, आई डू नॉट नो अबाउट दैट अभिषेक, सॉरी फॉर दैट, राइट। तो मोस्टली नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस में जो है हम देखते हैं, तो इस वजह से ये सही जवाब होगा, राइट। तो 17th का यहाँ पर आंसर आने लगे हैं, ऑलमोस्ट सभी ने डी कहा है, हेलो 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 टू यू, हेलो हेलो, आपने भी डी कहा है, राइट। तो यहां अगर हम देखें, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं और डी इज द राइट आंसर, लाहौल स्पीति, कुल्लू किन्नौर में ये ग्रो किया जाता है, मेडिसिनल वैल्यू इसकी है, इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज किया जा सकता है, एक्सपोर्ट भी किया जाता है, तो तीनों ही चीजें सही है, डी इज एब्सोल्युटली राइट दोस्तों,
और ये जो है हमारा 17th क्वेश्चन था। 18th क्वेश्चन देखिए, इवन फ्लैक्स जो है काफी ज्यादा न्यूज में था ड्यू टू वेरियस रीजंस। ऑयल सीड्स में अगर हम देखें तो फ्लैक्स वाज इन द न्यूज, तो इस वजह से ये क्वेश्चन लाया गया है। लिनन क्लॉथ फ्रॉम फ्लैक्स सीड्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ये प्रोड्यूस किया गया था हमारे हिमाचल प्रदेश के एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में। दूसरा है फ्लैक्स इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल एंड इसको जो है लिन सीड भी कहा जाता है। कौन सा स्टेटमेंट आपको यहाँ पर सही लग रहे हैं उसके बेसिस पे फटाफट से आंसर करिए। अनु कह रहे हैं सी खुशबू का आंसर सी है, जे सी कह रहे हैं, कविता ने भी सी कहा है, भावना ए कह रहे हैं। या प्लीज डू चेक, फैक्ट चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है अभिषेक। एंड राइट, तो उसके हिसाब से यहाँ पर अगर हम फ्लैक्स सीड्स की बात करें तो ये पहली बार हमारे जो यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वहां पर इसकी शुरुआत की गई थी, जो फ्लैक्स सीड से लिनन क्लॉथ बनाया जाता है। ऑयल तो निकाला जाता है बट ये क्लॉथ बनाने का काम जो है उसके लिए जो प्रोडक्शन की जा रही है वो पहली बार हिमाचल में किया गया था, इनार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये कहा जा रहा है। दूसरा स्टेटमेंट काफी जेनरिक है, यस ये सही है, इसे ऑयल बनाने के लिए यूज किया जाता है और उसको हम लिन सीड कहते हैं, ये तो सही है। बट पहला स्टेटमेंट सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि लिनन क्लॉथ फ्लैक्स सीड से पहली बार जो है रायपुर में बनाया गया था, इट इज नॉट हिमाचल। सो ये चीज जो है हमें याद रखनी है, इट इज नॉट हिमाचल, रायपुर में ये चीज बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ये पूछा गया है द आयकर डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च सेंटर ये कहाँ पर लोकेटेड है हिमाचल के कौन से डिस्ट्रिक्ट में, सोलन, किन्नौर, सिरमौर या कांगड़ा। बहुत ही सिंपल, फटाफट से आप जवाब इसका जो है दे सकते हो। या टेक्सटाइल आर प्रोग्रेसिंग, ग्रेट चीज है जे, राइट यस, इसका इसके भी जवाब आने लगे हैं एंड देयर इज नो डाउट इन इट कि सही जवाब यहां पर है सोलन, ए इज द राइट आंसर। ओके, और इवन जो वेबसाइट है वहां पर सही से दिया गया है, सोलन द मशरूम सिटी ऑफ इंडिया, और पूरा जो है डिस्क्रिप्शन इसका दिया गया है इवन ऑन द नेशनल वेबसाइट। राइट दोस्तों, सोलन इज द राइट आंसर विदाउट एनी डाउट। 20th क्वेश्चन हमारे सामने, करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको चुनने हैं। हिमाचल प्रदेश वाज अवार्डेड पीएम्स एक्सीलेंस अवार्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, जो कि 2015-16 में की गई थी। कुछ जो है स्टेटमेंट्स कमीशन पुराने भी पूछ लेता है और वो चीजें हमें पता होनी चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग स्कीम कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, मंडी एंड हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट्स में चलाए जा रहे हैं, ये विद द कोलैबोरेशन ऑफ जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जो कि जीका। राइट, तो इसके कोलैबोरेशन के साथ चलाए जा रहे, कौन से स्टेटमेंट आपको सही लग रहे हैं। भावना का आंसर सी है, खुशबू, मानसी, कविता, अनु का आंसर सी है फर्स्ट, ओके, जे एंड इवन अभिषेक का आंसर सी है। सी इज एब्सोल्युटली राइट, दोनों ही चीजें सही हैं, ये दिया गया था, दिस इज राइट, एंड ये जो है जीका के कोऑपरेशन से ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो स्कीम है वो चलाई जा रही है। क्वेश्चन 21 दोस्तों, यहाँ सही स्टेटमेंट आपको चुनने हैं। हॉर्स एंड याक ब्रीडिंग सेंटर हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। रैबिट ब्रीडिंग फार्म जो है वो गवर्नमेंट का, हिमाचल गवर्नमेंट का, वो लोकेटेड है नगवैन मंडी। कैटल ब्रीडिंग फार्म हिमाचल में आपको देखने को मिलेंगे इन कांगड़ा एंड सिरमौर, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। काफी फैक्ट बेस्ड, एग्जैक्टली अगर आपको पता है तभी आप इसे सही से आंसर कर पाओगे। यस 2016 या सोलन नेदरलैंड्स मशरूम, ये चीज आपको याद रखनी है, जापान जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड। बहुत बढ़िया जी, राइट, इसी तरीके से हमें करना है एंड यहाँ पर आंसर आने लगे, ऑलमोस्ट सभी का सी है, अनु ने सॉरी डी है, अनु ने सी कहा है, भावना ए कह रहे हैं, स्किप किया है जे ने, कैनॉट रिकॉल, राइट, नो प्रॉब्लम। यहाँ देखो हॉर्स एंड याक ब्रीडिंग सेंटर की अगर हम बात करें, यस बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि फैक्ट है यहाँ पर, बट ये चीज आपको याद रखनी है तो स्टेटमेंट में मैंने दे दिया आपको, हो सकता है कि सिंगल आंसर टाइप में भी आए। ये जो है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है, दैट इज राइट। रैबिट ब्रीडिंग फार्म आपको नगवैन मंडी में देखने को मिल रहा है, कैटल ब्रीडिंग फार्म कांगड़ा सिरमौर में जो है गवर्नमेंट के आपके लोकेटेड है। ओके, कैटल ब्रीडिंग फार्म कांगड़ा एंड सिरमौर में है, यहाँ रैबिट ब्रीडिंग फार्म जो है मंडी एंड कांगड़ा में है, हॉर्स एंड याक ब्रीडिंग फार्म आपको लाहौल स्पीति में देखने को मिलेगा। तो दीज आर करेक्ट, तीनों ही चीजें सही हैं। यस
या अलारी में है, एब्सोल्युटली राइट दोस्तों, सही। आगे बढ़ते क्वेश्चन 22, आपको यहाँ पर ब्रीड्स और कॉमन जो नेम्स है एनिमल्स के उनको मैच करना है विद द टाइप ऑफ एनिमल। पॉल बॉथ अगर हम देखें तो वो किससे मैच हो रहा है, चूरी क्या है, अंगोरा क्या है, बहुत सिंपल, बहुत ही इजी, फटाफट से आपको ये मैच करना है और मुझे सही जवाब बताना है दोस्तों। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इवन जिसने बहुत ज्यादा हिमाचल से रिलेटेड चीजें पढ़ी नहीं होंगी वो भी आंसर कर लेगा। ओके, यहाँ आंसर आने लगे। अनाव हाय अनाव, ए कह रहे हैं, अनु का ए है, जे ओके जे का आंसर है, खुशबू, कविता, सभी का आंसर ए है, एब्सोल्युटली राइट दोस्तों। ए जो पॉल वर्थ है ये शीप है, आप अंगोरा रैबिट तो जानते ही होंगे, इसको जैसे ही आपने मैच किया आपका सही जवाब आ गया ए। चूरी जो है ये क्रॉस ब्रीड ऑफ हिल काउ एंड याक, चूरी भी इसे कहा जाता है, राइट। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए एंड बहुत ही इजी रहता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन इसीलिए डाला गया कि कई बार बहुत सिंपल होता है और हम उन क्वेश्चंस को अप्रोच नहीं करते हैं, डरते हैं, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, बट हमें अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। याद रखिए क्वेश्चन 23 आपके सामने, एचपी स्टेट कोऑपरेटिव वूल प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड जो है, जिसे वूलफेड हम कह रहे हैं, 1988 में इसे एस्टैब्लिश किया गया है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, हिमाचल प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट में, इज इट इन मंडी, कुल्लू, शिमला या लाहौल एंड स्पीति, में से कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप ये देखने को आप जो है देख रहे हो। ओके, तो यहाँ दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है वूलफेड, ये आपको कहां पर देखने को मिल रहा है, इज इट मंडी, कुल्लू, शिमला या लाहौल एंड स्पीति, यस डिफरेंट नेम्स हैं इनके, राइट। ओके, आंसर्स आने लगे हैं 23 के, आंसर्स ऑलमोस्ट सभी ने सी दिया है, सी इज एब्सोल्युटली राइट दोस्तों, शिमला में आपको वूलफेड जो है देखने को मिल रहा है, शिमला सी इज द राइट आंसर। एंड 24th क्वेश्चन आपके सामने, लास्ट बट वन, ये दो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं, ये चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तरीके का आपका रिवीजन होगा। स्टेटमेंट वन पूछा गया है, द वूल प्रोड्यूस्ड इन हिमाचल प्रदेश इज बेटर देन द कारपेट वूल प्रोड्यूस्ड बाय द शीप ऑफ राजस्थान, ये कंपैरिजन किया गया है ऑन द गवर्नमेंट वेबसाइट, इस वजह से लाया गया है स्पेसिफिकली आपके सामने। दिस वूल इज बेस्ट सूटेड फॉर अपैरल मेकिंग इंडस्ट्री, ये चीज पूछी गई है, जो हिमाचल में वूल मिलती है दैट इज बेस्ट सूटेड फॉर अपैरल मेकिंग इंडस्ट्री, कुछ फीचर्स हमें पता होना चाहिए, उनमें से ये एक है और ये आपको पता हो इस चीज के लिए ही क्वेश्चन आपके सामने लाया गया। काफी वेरिंग आंसर्स यहाँ पर, 24th का भावना ने बी कहा है, अनु डी कह रहे हैं, जे का ए है, जैसे बी सी डी सी सभी ने, योगिता बी कह रहे हैं, मानसी का बी है। ओके दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें, द वूल प्रोड्यूस्ड इन हिमाचल इज बेटर देन कारपेट वूल प्रोड्यूस्ड बाय द शीप ऑफ राजस्थान, ये चीज सही है। दिस वूल इज बेस्ट सूटेड फॉर अपैरल मेकिंग इंडस्ट्री, ये सही नहीं है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट द सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, और ये हमारे गवर्नमेंट की वेबसाइट पर भी आपको देखने को मिलेगा कि वूल प्रोड्यूस्ड इन हिमाचल इज बेटर देन कारपेट वूल जो कि राजस्थान में आपको देखने को मिलता है। This wool, however, is inferior for apparel making industry. ये point at least आप याद रख लो कि ये जो wool है apparel making industry के लिए बहुत ज्यादा suited नहीं है, इस वजह से second statement is not correct. Okay, तो ये चीज हमें याद रखनी है एंड इसके साथ 24 questions हम discuss कर चुके हैं और एक आपको जो है homework दिया जाएगा, मैं आपको याद दिला दूं आपके preparation में आपकी help करने के लिए। We have come up with this prelims test series. Mock test देना हमारे exam को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है पार्ट होता है और इस वजह से इस टेस्ट सीरीज में आपको मिल रहे हैं कंप्लीट टेस्ट्स और सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे करंट अफेयर्स मैगजीन हिमाचल जी के मॉड्यूल एंड लाइव रिवीजन सेशंस जस्ट फॉर 800 रुपीज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लास्ट मिनट है, आपको लग रहा है कि कुछ चीजें छूट रही है और उन्हें हमें मुझे प्रिपेयर करना है, तो आप हमारे पावर पैक से प्रिपेयर कर सकते हो कंप्लीट जीएस मॉड्यूल प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, कंप्लीट सीसेट का मॉड्यूल, हिमाचल जीके का मॉड्यूल एंड कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एंड साथ में यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कोई भी क्वेरी यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर और मेल अस एट hello@edutab.co.in। होमवर्क क्वेश्चन, यस जय, होमवर्क क्वेश्चन है ये जो है थोड़ा सा सिंपल, विच अमंग द फॉलोइंग हैज प्रोवाइडेड असिस्टेंस फॉर द अंगोरा रैबिट ब्रीडिंग प्रोग्राम। ओके, नाबार्ड है, यूएनडीपी है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है। ये चीजें काफी हम ट्रिवियल मानते हैं
बट स्टेटमेंट में जब आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। होमवर्क क्वेश्चन को दोस्तों प्लीज आंसर करना इन द कमेंट बॉक्स, और इसके साथ आपके 25 क्वेश्चंस जो हमारे एचपी इकोनॉमी को कवर करते हुए हमने इस सेशन में किए। आई होप आपको मजा आया होगा। प्लीज अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन वो भी आप मुझे बता सकते हो, कोई और क्वेरी है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल एंड द सेशन। ओके, थैंक्स अ लॉट भावना, अनाव, एचएस एस्पिरेंट, अभिषेक, मानसी, जे, प्लीज अपना फीडबैक आप देते हुए जाना इन द कमेंट बॉक्स। हरीश, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द सेशन। एंड इसके साथ दोस्तों आई होप आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। ऑल द बेस्ट दोस्तों। अपना मोटिवेशन हाई रखना, कॉन्फिडेंस हाई रखना, बिकॉज अभी तक आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हो। इस लास्ट मिनट का जो कॉन्फिडेंस होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये कॉन्फिडेंस ही आपको क्रॉस करवाएगा, और जो समय है एग्जाम का उस समय आप बहुत अच्छे से करोगे, राइट? दोस्तों जिस तरीके से आपने आंसर किया, ग्रेट आपका जो है पार्टिसिपेशन रहा, एंड ये काफी डीप क्वेश्चंस थे, तो आई थिंक आप बहुत अच्छे से करोगे, राइट दोस्त? इसके साथ लेट मी एंड द सेशन। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय हिमाचल।